हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश की बुक से लेसन नंबर 10, आवर नेशनल सिंबल्स, यानी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। तो आइए इसका प्री रीडिंग सेक्शन देखें। बच्चों, प्री रीडिंग सेक्शन में आप देख पाएंगे यहाँ एक मैप दिया गया है, इंडियन पॉलिटिकल मैप, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स दिखाई गई हैं। आइए इसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ें। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का क्या नाम है? एंड दैट इज इंडिया। नेम ऑफ आवर कंट्री इज इंडिया, भारत। सर्कल आवर स्टेट इन द मैप, तो बच्चों जो भी आपकी स्टेट है आप उसे सर्कल करें। फॉर एग्जांपल हरियाणा, तो हरियाणा आप यहां देख पाएंगे, ये हमने हरियाणा को सर्कल किया। नेक्स्ट, नेम द स्टेट दैट टच आवर स्टेट, तो बच्चों आइए देखें जो हरियाणा को टच करती हैं वो कौन कौन सी स्टेट हैं। फर्स्ट इज राजस्थान, देन यूपी, देन उत्तराखंड, देन हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। तो ये पांच स्टेट्स हैं जो हरियाणा को टच करती हैं, तो इन्हें आप लिखें। आइए आगे चले। नेक्स्ट पार्ट इज रीडिंग सेक्शन। आइए रीडिंग सेक्शन देखें। द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, पिकॉक क्या है, मोर क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इट इज लार्ज इन साइज, यह साइज में बड़ा है। इट हैज लॉन्ग ब्लू एंड ग्रीन फेदर्स ऑन इट्स टेल, और इसके पंख कैसे हैं, लंबे नीले तथा हरे। इट स्प्रेड्स आउट इट्स फेदर्स लाइक ए फैन एंड डांसेस व्हेन इट इज हैप्पी, वो अपने पंख इस प्रकार से, आप फोटो में देख सकते हैं इसमें पिक्चर में, इस प्रकार से वो अपने पंख फैला सकता है और जब वह खुश होता है तो नाचता है। तो ये था हमारा राष्ट्रीय पक्षी पिकॉक, मोर। आइए अगला सिंबल देखें। हेयर इज आवर नेशनल फ्लैग, आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग। इट हैज थ्री कलर्स, तीन कलर हैं इसमें, और वो कौन कौन से हैं, सैफ्रन, वाइट एंड ग्रीन। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ट्राई कलर, और इसीलिए इसे तिरंगा कहा गया है क्योंकि इसमें तीन कलर हैं, सैफ्रन, वाइट एंड ग्रीन। द फ्लैग हैज ए व्हील विद 24 स्पोक्स इन द सेंटर, और इस फ्लैग में आप देख पाएंगे बीचों बीच एक व्हील है, चक्र है, जिसमें 24 स्पोक्स हैं। ये जो तिल्लियां हैं कितनी हैं, 24। द कलर ऑफ द व्हील इज डार्क ब्लू, और इस चक्र का कलर क्या है, डार्क ब्लू। ये था हमारा दूसरा राष्ट्रीय चिन्ह, आवर नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। आइए आगे चलें। नेक्स्ट इज आवर एम्बलम, दिस इज आवर नेशनल एम्बलम, यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा नेशनल एम्बलम है। इट हैज फोर लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक, तो बच्चों यहाँ इस एम्बलम में हमारे पास चार शेर हैं जो बैक टू बैक हैं। द फोर लायंस फेस द फोर डायरेक्शन, ये जो चार लायन हैं इनका जो फेस है वो चारों डायरेक्शंस में है। यू कैन सी द एम्बलम ऑन आवर कॉइंस एंड करेंसी नोट्स, हमें ये एम्बलम कहाँ दिखता है, कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है हमारी करेंसी पर, हमारे नोट पर और सिक्कों पर। नेक्स्ट इज आवर नेशनल एनिमल, हमारा राष्ट्रीय पशु। द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, बाघ जो है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है। इट इज ए वाइल्ड एनिमल, यह एक जंगली पशु है। इट लिव्स इन द जंगल, यह जंगल में रहता है। इट हैज येलो एंड ब्लैक स्ट्राइप्स, इट कैन मूव वेरी फास्ट, और इसकी बॉडी कैसी है, येलो और ब्लैक, काली धारीदार, और इट कैन मूव वेरी फास्ट, यह बहुत तेजी से दौड़ सकता है। तो ये था हमारा राष्ट्रीय पशु। अगला है लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर, तो ये है हमारा राष्ट्रीय पुष्प लोटस। इट इज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, यह एक बड़ा ही सुंदर फूल है। इट ब्लूम्स इन द वाटर, और ये कहाँ खिलता है, ये खिलता है पानी में। इट इज यूज फॉर वर्शिपिंग ऑफ गॉड्स इन आवर कंट्री, और इस फूल का हम यूज कहाँ करते हैं, पूजा में।
It is found in many colors like pink, blue and white etc. और ये कई रंगों में हमें मिलता है जैसे पिंक, नीला और सफेद। तो ये था हमारा राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर, लोटस। तो बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़े अपने राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल्स। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसके वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और फ्यूचर में ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।